आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर्जी क्लासेस में। तो देखिए इसमें हम लोग DMRC CRA का जो पेपर वन है, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सारे पोर्शन आपके आएंगे, जो कि हर एक का 40-40 मार्क्स का वेटेज है। तो पिछले वाले क्लास में हमने जनरल अवेयरनेस का एक पेपर अपलोड किया था, तो उसमें से मैंने आपको एनालिसिस कराया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। और इसमें भी हम लोग वही देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर ही, और इसमें भी हम एनालिसिस करेंगे लास्ट में कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पे फोकस करना होगा। तो देखिए पिछले वाले जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा होगा, जो कि मैंने अपलोड किया था, और उसमें से एनालिसिस भी हमने किया था कि किस सेक्शन आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप लोग उसको देख लीजिए, और उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जितने भी वीडियो हैं, तो उन सभी का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर का हो, DMRC CRA का, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इसमें जनरल अवेयरनेस का देखेंगे, ये आपका सेट नंबर 2 होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। तो देखिए जो नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर है, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो देखिए जितने भी जैसे कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो वो जैसे कि आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, तो इन सभी को हम स्टैटिक जी के पोर्शन में कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में पूछा था, तो इस तरीके से आपसे किसी भी जो अदर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो उनको आपको याद करना होगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट जितने लिस्ट है आपको वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द सलुवा डायनेस्टी। तो देखिए जो सलुवा डायनेस्टी है, तो ये नरसिंह ने इनको फाउंडेशन किया था। तो देखिए जो सलुवा जो डायनेस्टी है, तो इनको जैसे पूरा नाम से बोला जाता है, सलुवा नरसिंह देव राय इनका पूरा नाम है। तो ये जो एम्पायर था, तो ये विजयनगर एम्पायर का ही एक हिस्सा था। तो इस तरीके से जितने भी फाउंडर है और उनके सल्तनत है, तो उनका भी हम अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे इसको, और ट्रिक के साथ उसको याद करेंगे हम लोग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ऑन द टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। यानी कि जो प्रथम जो पंचवर्षीय जो योजना जैसे चलती थी, तो उसमें जो टॉप प्रायोरिटी क्या था प्रथम, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो उसमें जो टॉप प्रायोरिटी रखा गया था वो कृषि को, यानी कि एग्रीकल्चर को रखा गया था, और जो इंडस्ट्री है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में रखा गया था। तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना, हालांकि हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द नेशनल गेम्स ऑफ भूटान इज। तो भूटान का नेशनल गेम कौन सा है। तो देखिए भूटान का यदि हम नेशनल गेम की बात करते हैं, तो वो है आर्चरी, यानी कि तीरंदाजी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक नेशनल स्पोर्ट है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट हो गया उनका, जैसे कि भूटान की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से और भी कंट्री के जो जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स जो होते हैं या नेशनल गेम जो होते हैं उनके, तो ये भी आप लोग याद कर लेना इसको। तो देखिए जो नेशनल गेम था भूटान का, यानी कि जैसे इनका आर्चरी है, तो इसको इन्होंने नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर किया था 1971 में, जब ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था भूटान। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द जुडिशियल कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज। यानी कि जो जुडिशियल कैपिटल अंडमान निकोबार आइलैंड का कौन सा है। तो देखिए जो जितने भी जुडिशियल है ये हियरिंग्स होते हैं अंडमान निकोबार का, तो वो कोलकाता हाईकोर्ट में किया जाता है। तो देखिए जो कोलकाता हाईकोर्ट है, तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाईकोर्ट भी है, तो ये भी आप लोग याद रखना। और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन आता है, तो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया और यूनियन टेरिटरी है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो ये आप लोग याद रखना। और जो कोलकाता हाईकोर्ट है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1 जुलाई 1862 में इसको किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट। तो यानी कि वो कौन सा जो आर्टिकल है कि जिसमें ये प्रोविजन या प्रोसीजर दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए ये आर्टिकल नंबर 67 में ये दिया गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है वो भी याद करना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर्स इन इंडिया। यानी कि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, तो उनको कौन अपॉइंट करता है। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट के, तो उसके अंदर में जो भी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियंस हैज वॉन अ सिल्वर मेडल एट द ओलंपिक्स इन 2004, यानी कि कौन सा इंडियन है कि जो सिल्वर मेडल जीते थे ओलंपिक गेम्स में जो कि 2004 में हेल्ड हुआ था। तो देखिए जो राजवर्धन सिंह राठौर है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक जो 2004 में जो हुआ था। तो देखिए इनको मेल्स डबल ट्रैप के शूटिंग इवेंट में जैसे कि सिल्वर मेडल इनको यानी कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और अभी देखिए जो राजवर्धन सिंह राठौर है तो ये केंद्रीय मंत्री भी है और ये किस विभाग है ये आप लोग कमेंट करके। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कर्नाटका के मैसूरू में ये लोकेटेड है और इसका देखिए जो स्थापना किया गया था तो ये 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक टाइगर रिजर्व के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जब चल रहा था उस समय। तो देखिए ये जो पार्क है यानी कि ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है तो ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन वाला पार्क है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए मेडिसिन टू ट्रीट द केराटिटिस। तो देखिए केराटिटिस को यानी कि मेडिसिन डेवलप किसने किया था, तो देखिए उस समय का ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था लेकिन ये आपसे अभी भी पूछा जा सकता है दूसरे रूप में। तो देखिए जो सेंटर फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो यही जो यानी कि यही जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो केराटिटिस का जो डिजीज के लिए इन्होंने मेडिसिन बनाया था या डेवलप किया था इन्होंने। तो देखिए केराटिटिस क्या होता है, तो ये एक कंडीशन होता है आँख के कोर्निया का। तो कोर्निया आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फ्रंट सरफेस होती है आँख की तो वो सूज जाती है यानी कि उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि जैसे आई का रेडनेस होना यानी कि लाल आँख हो जाना या उसमें पेन होना या फिर विजन में कमी हो जाना, तो ये सारे क्या इसके सिम्टम्स है केराटिटिस के। तो इसके लिए जो मेडिसिन यानी कि जो बनाई थी तो वो है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी और इसका देखिए जो हेडक्वार्टर यानी कि जो लोकेटेड है ये हैदराबाद भी लोकेटेड है, तो ये भी आप लोग याद रखना। हो सकता है कि आपसे इसका इस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो CCMB है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। और इसका देखिए जो स्थापना किया गया था तो वो 1977 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड दी ऑनलाइन LPG कनेक्शन इज, यानी कि वो कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो देखिए जो सहज स्कीम थी ये लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि जो ऑनलाइन LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। तो देखिए जितने भी स्कीम्स होते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार जरूर देख लेना, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जितने भी स्कीम्स होते हैं तो उसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी करेंट अफेयर टाइप का ही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2014, यानी कि जो 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तो ये देखिए ग्लासगो में हुआ था बेसिकली, तो उसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए उस समय 71 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं जैसे कि आपका ओलंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स हो गया या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो उसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था तो ये आप लोग जरूर देख लेना एक बार, चाहे वो फीफा भी हो आपका फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कॉमनवेल्थ गेम की हम बात करते हैं 2014 का, तो ये हुआ था ग्लासगो में हुआ था और इसमें जो मोटो था इसका तो पीपुल प्लेस एंड पैशन। फिर अभी जो रिसेंट में जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कहाँ पे हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2015। तो 2015 के हिसाब से आपको बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो देखिए उस समय जब करेंट अफेयर पूछा गया था तो इंडिया की रैंक थी 81st थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि हर ईयर का, तो 2016 में इसकी रैंक 66 थी और 2017 में इसकी 60 हो गई और उसके बाद फिर देखिए 2018 में इसकी 57 थी और 2019 में यदि हम करेंट की बात करते हैं तो इसकी 52 रैंक है। तो यहाँ पे देखिए जो लगातार है इसमें सुधार हो रही है इसकी रैंकिंग में, तो ये भी आप लोग याद रखना कि रिसेंट रैंकिंग क्या है इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो 52 होगा 2019 का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द कैबिनेट ऑफ द नरेंद्र मोदी। तो देखिए उस समय का आपका क्वेश्चन था
यानी कि जिस समय यह पेपर आया हुआ था तो उस समय जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे तो वो रामविलास पासवान थे। तो अभी जितने भी आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, जैसे कि यूनियन की यदि हम बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उन सभी का आप लोग याद कर लेना और यहाँ पे हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आप लोग देख लेना। इसमें से कुछ आपको जैसे इम्प्रूवमेंट भी करने को मिले तो वो भी आप लोग देख लेना, ये हमने पहले ही इसको बना लिया था। यहाँ पे भी और भी आपको मिल जाएगा तो आप लोग देख लेना एक बार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ असम, यानी कि स्टेट असम का गवर्नर कौन है प्रेजेंट में। तो ये भी उस समय के प्रेजेंट, देखिए क्वेश्चन मतलब कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस समय देखिए बनवाही लाल पुरोहित थे जो कि पहले मतलब ये गवर्नर थे जिस समय ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बट यदि हम अभी करेंट की बात करते हैं तो अभी कौन है स्टेट ऑफ असम का, तो वो जगदीश मुखी है जो कि ये 33वें नंबर के गवर्नर है, और जो बनवारी लाल पुरोहित थे वो 32वें नंबर के थे। तो ये सब आप लोग देख लेना, और गवर्नर और स्टेट और कैपिटल और उसके साथ साथ जो उनके जो भी कैपिटल या फिर जो उनके लैंग्वेज होते हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इन सब से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग देख लेना एक बार। और यहाँ पे देखिए हमने आपको वो सारा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पे जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी के या फिर जो गवर्नर है स्टेट के, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर एक बार नोट कर लेना। और ये जब आप लोग आगे फर्दर जब देखिएगा तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए क्योंकि गवर्नर जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो ये लिस्ट आप लोग एक बार देख लेना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि गेट सेट प्ले इज द मोटो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स हेल्ड इन 2015। तो देखिए जो गेट सेट प्ले जो मोटो था वो कौन से गेम्स का जो कि 2015 में हुआ था उसका मोटो था। तो देखिए जो नेशनल गेम्स हुआ था इंडिया में जो कि केरला में, जैसे कि ये आयोजन इसका किया गया था यानी कि 2015 नेशनल गेम्स, तो उसका जो मोटो था गेट सेट प्ले था। और इसके जो होस्ट सिटी थे जैसे आपका थिरुवनंतपुरम हो गया, कोलम हो गया, तो ये बेसिकली जैसे कि ये केरला में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए जितने भी गेम्स होते हैं चाहे वो आपका यानी कि इंटरनेशनल गेम्स होता है जैसे कि आपका आईसीसी का वर्ल्ड कप हो गया या फिर और भी फीफा का वर्ल्ड कप हो गया या फिर कोई भी गेम्स होते हैं, तो उनके जो मोटो होते हैं तो वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखते चलना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन था उस समय, कि वीरभद्र सिंह इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो वीरभद्र सिंह किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो देखिए जब 2015 में ये पेपर उस समय का मतलब था तो ये हिमाचल प्रदेश के जैसे कि ये सीएम थे, बट यदि हम करेंट के यदि हम बात करते हैं तो अभी है जयराम ठाकुर है इसके, तो ये 27 दिसंबर 2017 के बाद से ये पोस्ट पे बने हुए हैं। तो देखिए करेंट अफेयर का भी जो पोर्शन आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग करेंट अफेयर जरूर देख के जाना इस एग्जाम के लिए। और वो भी हमने आपको जैसे करंट अफेयर हमने आप प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करना, और आगे भी हम करंट अफेयर अभी कंटिन्यू करेंगे जितने भी 2019 में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच इसरो स्पेस क्राफ्ट कंप्लीटेड 1 ईयर लाइफ अराउंड द रेड प्लैनेट इन सितंबर 2015। यानी कि देखिए इसरो का एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि 1 साल कंप्लीट किया था जो कि रेड प्लैनेट में, यानी कि इसको रेड प्लैनेट जो है जैसे कि मार्स को बोला जाता है, तो सितंबर 2015 को 1 साल इसने कंप्लीट किया था। तो देखिए ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है जो कि इसको मंगलयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जैसे कि स्पेसक्राफ्ट इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो इसका देखिए जो लॉन्च किया गया था तो वो 5 नवंबर 2013 को किया गया था, और ये मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को जाके ये वहाँ पे यानी कि उसको ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसका ऑर्बिट में चला गया था। तो उसी तरीके से ये जैसे सितंबर आपका आया यानी कि 24 सितंबर 2015, उस समय करंट अफेयर की बात ये क्वेश्चन था आपका वहाँ पे, तो उसने 1 साल कंप्लीट किया था। तो इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग मंगलयान मिशन भी इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये भी आप लोग याद रखना। और इसका देखिए जो लॉन्च किया गया था तो वो सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और इस बार जैसे कि आपका अभी जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जैसे हमने मून मिशन लॉन्च किया था मिशन चंद्रयान 2, तो उससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आप लोग अच्छे से उसको देख लेना। हालांकि हम आपको चंद्रयान 2 पे एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए अब से आपका इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और कंप्यूटर में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन इसे पूछे गए थे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स इंक्लूड मैनी नोड्स एंड वन और मोर सर्वर विच कंट्रोल यूजर एक्सेस
टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, सर्वर्स बेस्ड नेटवर्क होते हैं इस तरीके से कि जिसमें कि मैनी नोड्स होते हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं, और उसमें एक या एक से अधिक सर्वर आपका हो सकता है कि जो कि यूजर को एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सर्वर है आपका यहाँ पे, जैसे नोड के यदि हम बात करते हैं, जैसे पीयर टू पीयर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या होता है, या सर्वर बेस्ड क्या होता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं फिगर से। तो यहाँ पे देखिए पहला जैसे आपका पीयर टू पीयर यहाँ पे है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी सर्वर क्लाइंट होते हैं, इसमें जो भी नोड्स होते हैं कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ पे हर एक क्या करेंगे, क्लाइंट और सर्वर दोनों के काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक कंप्यूटर जैसे मान लीजिए है, तो वो एक क्लाइंट की तरह भी काम कर सकता है और सर्वर की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि ये रिक्वेस्ट भेज भी सकता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर भी सकता है, ये दोनों तरह काम कर सकता है यहाँ पे। तो ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारे क्लाइंट रहेंगे और इसमें सिर्फ एक ही कोई सर्वर रहेगा, यानी कि जो क्लाइंट क्या करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे और जो सर्वर होगा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि हम लोग इंटरनेट जो यूज़ एक्सेस करते हैं हम लोग, तो हमारा क्या होगा एक तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग जो सिस्टम है, तो ये क्या होता है एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है कि जितने जिसमें कि सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम का, वो मल्टीपल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं डेटा के लिए। तो यानी कि बहुत सारे नोड है, तो ये जितने भी यहाँ पे जितने भी नेटवर्क सिस्टम होंगे या फिर जो कंपोनेंट लगे रहेंगे इसमें, तो वो डिपेंडेंट रहेंगे मल्टीपल सोर्सेस पे। तो ये चीज़ हम लोग कंप्यूटर वाले जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और देखिए DMRC CRA है, तो इसमें कंप्यूटर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको अभी आगे देखने में मिलेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड बाई द केबल टेलीविजन सिस्टम टू सेंड डेटा ओवर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कोएक्सल केबल का यूज़ करते हैं, यानी कि यदि हमको जैसे केबल टेलीविजन से जो कि डेटा सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसमें यहाँ पे कोएक्सल केबल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो कोएक्सल केबल होता है, ये आपने देखा भी होगा जो आपके घरों में आता है, जैसे कि आप TV चलाते हैं उससे, जो डिस्क बोलते हैं हम लोग उसे, तो उसमें सबसे ऊपर में जो रहता है यहाँ पे एक आउटसाइड इंसुलेशन रहता है, उसके बाद यहाँ पे कॉपर का एक मेस रहता है जो पतले पतले तार रहते हैं, फिर उसके बाद अंदर में यहाँ पे फिर एक बार यहाँ पे इंसुलेशन होती है, और फिर उसके नीचे में यहाँ पे एक कॉपर वायर होती है। तो इसी का बोलते यानी कि इसी को हम लोग कोएक्सल केबल बोलते हैं, और इसी का यूज़ किया जाता है केबल टेलीविजन सिस्टम के द्वारा जो कि वो डेटा सेंड करते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, यानी कि इनमें से कौन सा सर्विस जो है जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो देखिए जैसे आपने यदि आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो चैटिंग होता है जैसे, ये तो प्रोवाइड किया ही जाता है इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा देखिए जो ईमेल फैसिलिटी है ये भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसके बाद देखिए जो इंस्टेंट मैसेजिंग है तो ये भी इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दिया आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, तो ये जैसे कि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है तो ये उसके थ्रू दिया जाता है, तो इसीलिए क्या होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कोई सर्विस नहीं है जो इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रोवाइड्स अप टू 3 bytes, यानी कि 16 bits होता है जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि यदि हमको हर एक लेटर यानी जो सिम्बॉल्स होते हैं तो उनको हमको रिप्रेजेंट करना है 16 bits से, तो वो कौन सा कोड होता है। तो इसमें देखिए ASCII कोड होगा, या EBCDIC कोड होगा, या एक्सटेंडेड ASCII होगा, या यूनिकोड होगा। तो देखिए इसको करने से पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये जैसे कि आपका ASCII कोड क्या होता है और ये कितने बिट यानी कि प्रोवाइड कर सकता है, या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी कितना प्रोवाइड करता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो ASCII कोड आपका है, तो ASCII कोड को हम लोग यानी कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 7 bit का यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो ASCII कोड है, तो इसमें हम लोग जैसे 7 bit है तो इसमें 2 की पावर 7 है, तो यानी कि इसमें हम लोग 128 कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं इसमें, जिसमें कि 0 to 127 होता है बेसिकली। तो देखिए जो ASCII कोड है, तो इसके फर्दर 2 types होते हैं, एक होता है ASCII 7 bit और एक होता है ASCII 8 bit होता है। तो जो 7 bit है तो यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड जो रहेगा, तो इसमें हम लोग टोटल 128 यूनिक सिम्बॉल्स जो है कि इसमें अलाउ किया जा सकता है, यानी कितना लिख सकते हैं। और जो ASCII 8 bit है, तो इसमें 2 की पावर 8 जब आप कीजिएगा तो 256 सिम्बॉल या कैरेक्टर जो है कि इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है।
और वहीं देखिए जो ईबीसी डीआईसी जो कोड है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसमें जो कैरेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो 8 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये जो कोड होते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कितने, इतना मतलब कि 8 बिट के फॉर्म में। तो इसमें टोटल कॉम्बिनेशन जो बिट होते हैं तो वो 2 की पावर 8 यानी कि 256 कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होगी इसमें। और एक आपका है यूनिक कोड है, तो यूनिक कोड जनरली जो कि ये जो से कि यदि सिंबल को रिप्रेजेंट करना होता है डेटा में तो इसमें 16 बिट का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली देखिए जो यूनिक कोड है इसके थ्रू हम लोग नॉन इंग्लिश कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ करते हैं हम लोग कि जब हम लोग को नॉन इंग्लिश कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, तो जैसे कि चाइनीज़ हो गया या फिर जैपनीज हो गया। तो इतने सारे जितने भी कोड्स है और उनके कितने बिट्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये आप लोग याद रखना, और इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे था आपका यहाँ पे कि कौन सा वो फॉलोइंग कोड है कि जो प्रोवाइड करता है हमें अप टू 3 बाइट यानी कि 16 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हर एक लेटर या नंबर या सिंबल को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 16 बिट से किसको रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा कोड है जो प्रोवाइड करता है हमको, तो वो यूनिक कोड हो जाएगा। और जैसे कि इसमें आपका आस्की कोड है तो ये तो जैसे कि एक 7 बिट का भी होता है और एक 8 बिट का भी होता है। और जैसे आपका EBCDIC कोड है तो ये भी कितना था आपका यहाँ पे देखा था आपने वहाँ पे 8 बिट का था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, और हालांकि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपको हम कंप्यूटर का क्लास आपका कराएंगे हम। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर डिस्प्लेस ओनली वन कलर अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड यूजुअली ब्लैक, यानी कि इसमें से कौन सा मॉनिटर जो है कि एक ही कलर को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता था कि जिसमें जो ब्लैक बैकग्राउंड होता था। तो देखिए जो अर्लियर जो डेज में यानी कि पहले की बात करते हैं तो उस समय मोनोक्रोम मॉनिटर का यूज़ किया जाता था। तो ये मोनोक्रोम मॉनिटर क्या था कि ये एक टाइप का सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर ही होता था जो कि पहले यूज़ किया जाता था इस तरीके के, जिसमें आप देखते होंगे कि जो पहले यानी कि जो पीछे का जो स्क्रीन होता था इसका वो बैकग्राउंड यानी कि वो ब्लैक होता था, और इस पे जो कैरेक्टर जो दिखते थे यहाँ पे जैसे कि आप फिगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ग्रीन कलर का होता था यानी कि ग्रीन स्क्रीन इसको कॉमन नेम से बोला जाता था। तो ये आप लोग याद रखना पहला जो यानी कि डिस्प्ले कौन सा यूज़ किया था तो वो मोनोक्रोम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर MS-DOS हो जाएगा। तो देखिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो वो तो हम लोग इसको अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वो जैसे कि हार्डवेयर को रन करने के लिए यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे कि अपने वर्क के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया था, तो जिसमें आपका पहला आपका है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा यहाँ पे कि जैसे इसमें केवल एक ही यूजर को एक टाइम में जो वर्क है यानी कि परफॉर्म करने के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए जो इन्वायरमेंट है प्रोवाइड ये कर सकता है। तो जो पर्सनल यूज यानी कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं तो ये जनरली पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, या फिर जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि जो एक बार में एक ही यूजर को अलाउ कर सकता है। तो इसके जैसे कि एग्जाम्पल के यदि हम बात करते हैं तो जैसे आपका हो गया MS-DOS हो गया या विंडोज NX हो गया, तो आपको इसका एग्जाम्पल ही बेसिकली याद रखना है आपको यहाँ पे। और यहीं पे देखिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जो मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। और इसमें देखिए जैसे कि ये जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो इसमें एक ही समय में जैसे कि जो सेम डेटा है और सेम एप्लीकेशन को यानी कि उसको एक्सेस किया जा सकता है मल्टीपल यूजर के द्वारा एट अ सेम टाइम यानी कि एक ही समय में। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज 2000 या 7 हो गया, ये सीरीज जितने भी होते हैं इसके। तो इस तरीके से आपको इन सभी का आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, हालांकि जब हम लोग क्लास इसका करेंगे डिटेल में तो वहाँ पे आपका ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया था तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए जो MS-DOS है ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस टाइप्स अलाउज द सोर्स कोड टू बी अवेलेबल टू यूजर्स इन एडिटेबल फॉर्मेट, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यानी कि जिसमें कि आपको अलाउ करता है कि आप उसके सोर्स कोड को यानी कि यूजर जो है वो एडिटेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं यानी कि उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। तो देखिए जो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनको आप लोग
जैसे कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं कि जिनका कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल किया जाता है और वो कोई भी यूजर है उनके लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको कि कोई भी पर्सन है उसको देख सकता है और यदि चाहे तो उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है। तो यहाँ पे यदि हम जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल जैसे आपका GNU हो गया या लाइनक्स हो गया, इसके अलावा ओपन सेलरीज हो गया, इसके बाद फ्री BSD है और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो मोबाइल फ़ोन में जो प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो ये सारे क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इन विंडोज़ प्रोग्राम इज यूज टू कैंसिल ए कमांड बिफोर इट एग्जीक्यूट्स। तो देखिए इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा की का हम लोग जैसे यूज़ करते हैं विंडोज़ प्रोग्राम में कि जिनसे कि कोई भी कमांड को कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि कोई चीज़ प्रोग्राम मान लीजिए उसको आपको एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं उस प्रोसेस में वो ऑलरेडी है लेकिन आपको उसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए जब हम लोग एस्केप की जब प्रेस करेंगे तो वो जो है यानी कि जो कमांड जैसे एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एस्केप की इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी कीज़ होते हैं कंप्यूटर के तो वो आपको याद रखना होगा इन सभी का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ डेटा अ डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर कैन स्टोर इज नोन एज। तो देखिए इस यानी कि ये जो डेफिनेशन आपका इसमें पूछा जा रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा जो डिस्क है कंप्यूटर का वो स्टोर कर सकता है तो उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो देखिए डेंसिटी का मेन मतलब ये होता है कि ये एक मेजर होता है यानी कि जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग बिट्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, कोई भी जैसे डिस्क हो गया तो उसमें जैसे कि ट्रैक होते हैं या फिर एरिया सरफेस होते हैं तो उनमें हम कितना जो है इंफॉर्मेशन जो है बिट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं तो उसी को डेंसिटी बोला जाता है। तो देखिए यदि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है तो डेंसिटी यदि उसका ज़्यादा है तो उसमें हम लोग ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं यानी कि वो ज़्यादा डिजेरेबल और ज़्यादा प्रिफरेबल होगा और ज़्यादा उसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमोंग द IBM कंपेटेबल कंप्यूटर्स हाउ मेनी कीज डज द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड लेआउट ऑफ द IBM इनहांस्ड कीबोर्ड हैव। तो यानी कि IBM कीबोर्ड का जैसे कि इनके जो कि IBM का अपना कीबोर्ड होता है तो उनके जब कीबोर्ड का लेआउट बात किया जा रहा है इसमें कि उनमें कितना जो होता है कि कंपेटेबल कीज होते हैं उसमें, तो देखिए वो 100 आपका इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इसके अंदर में जो कीबोर्ड रहते हैं तो उनमें 100 कीज होते हैं, तो बस आपको ये याद ही रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे गए थे, तो देखिए कंप्यूटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले वाला भी सेट हमने आपको कराया था तो उसमें भी 5 क्वेश्चन था और इसमें 10 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से कंप्यूटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट करना यदि आपको कंप्यूटर का क्लास चाहिए तो। फिर देखिए क्वेश्चन आपका है इसमें जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, अब आपके पास जो यानी कि जो आएगा क्वेश्चन वो जनरल साइंस का आएगा, 5 क्वेश्चन इससे भी आपके पूछे जा रहे हैं हर सेट में। तो क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज केमिकली नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए विटामिन सी को ही बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं और उनके जो केमिकल नेम होते हैं तो ये भी आप लोग याद रख लेना यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट में आपका। जैसे कि विटामिन ए का हम बात करते हैं तो इसका होता है रेटिनॉल और इससे जो डिजीज होने वाला होता है तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। उसी तरीके से जो विटामिन B1 है तो इसका जैसे कि केमिकल नेम होता है थायमिन और इससे जो डिजीज होती है तो वो है बेरी बेरी। और विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसके चलते यानी कि इसका देखिए जो केमिकल नेम होता है वो है राइबोफ्लेविन है। और उसके बाद देखिए जो विटामिन B3 है इसका केमिकल नेम होता है नायासिन और विटामिन B5 का होता है पैंथोनोइक एसिड, तो ये भी आप लोग याद रख लेना सारे को। और उसके बाद और भी जो होते हैं तो उन सभी को आप लोग देख लेना जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, तो ये चीज़ हम लोग जैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको हम बता देंगे अच्छे से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के रूप में हम लोग कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो देखिए वॉशिंग सोडा का जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है तो बेसिकली इसको हम लोग कॉमन नेम वॉशिंग सोडा से बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, यानी कि जो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं तो उनको सैंगिवोरस बोला जाता है, तो ये जैसे कि ब्लड जो होते हैं उन्हीं पे ये फीड करता है और जैसे कि ब्लड को ये सक करके मतलब कि इनको ब्लड को ये फील करेगा इंसर्ट करेगा अपने शरीर के अंदर में, तो ये इस तरह के एनिमल को बुलाता है सैंगिवोरस बुलाता है। तो जिस तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा हर्बीवोरस या कार्निवोरस या ओमनीवोरस, तो उस तरीके से ये सैंगिवोरस इनको बोला जाता है जो कि ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमोर।
अब यहाँ पे देखिए पॉलीमर क्या होता है कि जिनमें बहुत सारे जो छोटे छोटे जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जो कि मोनोमर उनको बोलते हैं हम लोग, तो उन सभी से जो मिल के बना होता है उसको पॉलीमर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और पॉलीथीन हो गया, तो ये सारे क्या है, पॉलीमर का एग्जाम्पल है। लेकिन जो यूरिया आपका है ये क्या है, ये पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए यूरिया को हम लोग कार्बोएमाइड भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CONH2O2, तो इसके अंदर में दो एमाइड ग्रुप होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, इसको भी केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना, यूरिया का क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि द सब्सटेंस विच हैज लेस डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट देन इन द लिक्विड स्टेट इज। तो देखिए इसका आंसर आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि जो वाटर है इसका डेंसिटी जो है सॉलिड स्टेट में कम होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है डेंसिटी के यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में इसका देखिए जो डेंसिटी होता है वो 0.99 के ग्राम पर मिलीलीटर के होता है इसका। और उसी तरीके से यदि सॉलिड स्टेट में जब ये हुआ रहता है ये जैसे आइस के फॉर्म में, तो इसका जो डेंसिटी होता है तो वो कम हो जाती है, यानी कि 0.91 ग्राम मिलीलीटर हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको कि जो आपको डायरेक्टली रटना होगा। और देखिए जनरल साइंस का जो क्वेश्चन जो सीरीज होगा हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, तो इससे भी आपका तैयारी हो जाएगा, जो कि हम लोग इसी एग्जाम को देखते हुए ही हम लोग वो जो सीरीज है स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका है इस बाकी जो 36 से लेकर 40 तक, तो ये 5 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जैसे कि आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, या फिर आप मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है तो उसको आपको स्टडी करना होगा। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ट्रस्ट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव कमिटमेंट, और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि इफेक्टिव कमिटमेंट लीड्स टू ट्रस्ट। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट जो होगा, मतलब कि इसमें आपको सही होगा कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स है, या फिर ए ट्रू है आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या बोथ ए और आर ट्रू है, या फिर इसमें ए ट्रू है या आर जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको देखिए अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाना होगा कि क्या क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने के लिए था कि जैसे क्वेश्चन आपका कहाँ पे कितने से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे अभी हम आपको पता है तो वो आपको एसेप्टेंस में ना लगे, तो ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर रहेगा। बट आपको मैनेजमेंट स्किल का आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, आप लोग जहाँ से भी देख सकते हैं वो स्टडी कीजिए, क्योंकि इससे आपको 5 क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें भी वही मिलेगा आपको यहाँ पे, यानी कि मैनेजमेंट हो गया या इथिक्स हो गया। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ दिस डस नॉट फॉल अंडर द इथिकल कोड, तो इथिकल कोड के अंदर में कौन सा नहीं आता है। तो इसमें से देखिए जैसे लीगलिटी हो गया, रिस्पेक्ट फॉर कलीग हो गया और कॉम्पिटेंस हो गया, तो ये सारे इथिकल कोड के अंदर में आते हैं, लेकिन जो लाइफ स्टाइल है तो ये इथिकल कोड के अंदर में ये नहीं आता है ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इथिक्स से ही कोड है या मैनेजमेंट स्किल से ही है, कि क्वेश्चन देखिए पढ़िए आप लोग क्या इसमें दिया हुआ है कि अ कॉर्पोरेट कंपनी मेक्स डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बिल्ड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्ट एंड अदर एक्टिविटीज इन CSR, दिस डायमेंशन इज नोन एज। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, यानी कि इसने जो भी यहाँ पे जैसे जो भी इन्होंने अपना वर्क किया, जैसे कि इसने चैरिटी डोनेट किया इंस्टीट्यूशन को, उसने रिक्रिएशनल जो है फैसिलिटी एम्प्लॉय के लिए बिल्ड किया, इसके अलावा इसने सपोर्ट किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा और भी जो आर्ट या एक्टिविटीज वो सारे भी एक्टिविटीज ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो इसको हम लोग फिलंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो फिलंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ह्यूमन करता है अपना इच्छा अनुसार, यानी कि वॉलेंट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फिलंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट देख के खुद समझ जाइएगा कि ये जो एक्टिविटीज, यानी कोई कॉरपोरेट कंपनी है इस तरह का जो यहाँ पे वो कार्य कर रहा है, जैसे कि डोनेशन कर रहा है चैरिटी में, या फिर कोई जैसे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बना रहा है अपने एम्प्लॉई के लिए या फिर फैमिलीज के लिए, तो ये तो जनरली कोई कंपनी यदि वो अपना स्वार्थ देखना चाहता होगा तो इस तरह का काम तो करेगा नहीं। लेकिन वो अगर जैसे कि एक मानववादी होते हुए कोई काम करेगा तो वो इस तरह का वर्क वही कर सकता है। तो इसीलिए किस में आएगा, फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा।
लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में या फिर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यह सब ये नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपका, तो वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा, या फिर आप लोगों को इथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ कन्फ्लिक्ट ऑन द अदर हैंड कैन ऑल्सो बिकम एंड। तो जैसे कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब जैसे कोई झगड़ा ही हो गया या फिर किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है, तो ये इसके दूसरे हैंड में देखा जाता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ये तो वो क्यों बनता है, तो ये आप जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, तो देखिए ये दूसरे तरीके में यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो इसके अलावा और ये क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो इसके चलते क्या होता है कि जैसे ये हमें टीच कर सकता है बिहेवियर ऑफ पैटर्न, यानी किसी पर्सन का बिहेवियर क्या है जब कन्फ्लिक्ट होता है किसी के साथ, तो उसी समय हमको पता चलता है कि वो कितना रूड है, या फिर इससे कुछ सॉल्यूशन भी जो है वो निकल जाता है कभी कभी यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो। इसी के अलावा देखिए जैसे कि प्रैक्टिस इमोशनल कंट्रोल, यानी कि इमोशनली कोई कितना कंट्रोल कर सकता है, तो ये भी जैसे कन्फ्लिक्ट होता है तो उस समय यानी कि पर्सन जो है सीख सकता है या कंट्रोल कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है। तो बाकी इसमें जैसे आपको दिया हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो कंट्रोवर्सी है या ईगो क्लैश है, तो ये सारे जो चीज़ है कि ये मतलब कि उसमें ये सारे चीज़ नहीं बनते हैं, तो ये भी आपका जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर सोहनेल इज नोन इन हिज कंपनी फॉर बीइंग अनइथिकल इन हिज कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे अनइथिकल वर्ड जो है आप इस पे फोकस कीजिएगा। यहाँ अनइथिकल मतलब हो सकता है कि जैसे वो कोई चीज़ यानी कि वो बताया ना किसी को, या कम्युनिकेशन में वो उतना ज़्यादा डिटेल में ना बताए किसी को, या कुछ राज छुपा ले, तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब फिर आगे देखिए क्वेश्चन है कि बीच ऑफ दिस स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड करेक्ट विथ सोहनेल्स एटीट्यूड रिफरिंग टू द एबव स्टेटमेंट। तो इसमें आपको जैसे कि आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या हो सकता है, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन को पढ़ना होगा और ऊपर में जो दिया हुआ है तो उसको आपको मीनिंग समझना होगा, उसी के बेसिस पे है जो कि इसके जो भी मतलब कि बिहेवियर होंगे जो रेफर करते होंगे इसके बारे में, या फिर जो स्टेटमेंट होल्ड करते होंगे आपको बताना होगा। तो इसमें देखिए ये तो जैसे इसका आंसर 3 दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बट ये कैसे होगा, तो ये देखिए सब्जेक्ट आपका एथिकल से है तो इसको आपको स्टडी करना होगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अनएथिकल कम्युनिकेशन जैसे है वो कम्युनिकेशन में, तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जैसे वो जो भी इंफॉर्मेशन रहता है तो वो अपने साथ में कॉन्फिडेंशियल रखती है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल जो 40 क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे एनालिसिस आप लोग कीजिएगा कि जैसे कौन सा पोर्शन से कितना आपका जैसे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जीके की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए आपका टोटल 20 क्वेश्चंस थे, तो इसमें से करेंट अफेयर भी जो सेक्शन आपका था तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका इसमें था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जनरल साइंस का जो पोर्शन आपका था तो उसमें से आपने देखा था 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन जो है आपका तो वो भी जनरल साइंस बेसिक ही है, बिल्कुल उसमें कोई डेप्थ में नहीं किया हुआ है। तो ये आप लोग जैसे जनरल पढ़ते भी होंगे जैसे SSC के ही हो गया या फिर रेलवे का ही हो गया, तो उसमें से क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। हालांकि हम जनरल साइंस का क्लास जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इससे रिलेटेड, और इसमें जो मेन आपका हो गया यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का हो गया, तो इसमें देखिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और यही पिछले वाले क्लास के यदि हम बात करें तो उसमें आपने देखा था कि 5 क्वेश्चन है, तो मतलब कि हर एक सेट में है किसी में आपको 10 किसी में 5 इससे मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कंप्यूटर का आपको हम क्लास अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे, और लास्ट वाला जैसे मैनेजमेंट स्किल है या इथिक्स है तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको देखिए एनालिसिस करना होगा, और हमको क्या स्टडी करना है सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्योंकि देखिए एग्जाम जो है आजकल कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, उसी के बेसिस पे आप लोग जीके तैयार कीजिए, क्योंकि 40 मार्क्स का है तो ये बहुत ही मायने रखेगा आपका सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपका देखिए जितने क्वेश्चंस थे आपके हमने कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हो गए हम आपके पास लाते रहेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, और आगे का क्लास कैसे हम कंटिन्यू करें इसके बारे में आप लोग भी सुझाव देना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।